नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। तिगांव के भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर का काफिला पहुंच चुका है महावतपुर गांव में। ये देखिए, महावतपुर गांव में आज जनसभा का आयोजन किया गया है और राजेश नागर पहुंच चुके हैं। तिगांव के भाजपा विधायक है और भाजपा ने दूसरी बार राजेश नागर को प्रत्याशी बनाया और तिगांव में कमल खिलाने के लिए देखिए राजेश नागर जमकर मेहनत कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी लालपुर पहुंचे थे, अब पहुंच चुके हैं महावतपुर गांव में। देखिए, और इधर विधायक राजेश नागर का स्वागत करने के लिए देखिए सैकड़ों लोग फूल माला लेकर तैयार हैं। बिल्कुल भैया, देखिए ये देखिए, अभी लोगों से मिल रहे हैं विधायक राजेश नागर और इधर लोग फूल माला लेकर खड़े हुए हैं विधायक राजेश नागर का स्वागत करने के लिए। देखिए ये देखिए, फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है तिगांव विधायक राजेश नागर का और तिगांव के भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर का। देखिए, जोरदार स्वागत किया जा रहा है महावतपुर गांव में। देखिए भैया, बिल्कुल गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है विधायक राजेश नागर का फूल माला पहनाकर। ये देखिए, पुष्प वर्षा भी हो रही है। ये देखिए, पुष्प वर्षा भी हो रही है। भैया देखिए, लोग मालाओं से लाद दे रहे राजेश नागर को। ये देखिए, लोग कह रहे हैं पहले हम माला पहनाएंगे, पहले हम माला पहनाएंगे। देखिए, भीड़ लग गई है माला पहनाने वालों की। देखिए, समर्थक काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि तिगांव के भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर आज महावतपुर में लोगों से समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए, लोगों का जोश बता रहा है कि ये लोग राजेश नागर का बिल्कुल भैया एकदम तन मन से समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जोरदार स्वागत किया जा रहा है महावतपुर गांव में राजेश नागर का। भारतीय जनता पार्टी ने राजेश नागर को तिगांव में लगातार दूसरी बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को राजेश नागर बखूबी निभा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भैया जमकर मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, कॉलोनी कॉलोनी जा रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं। और देखिए, खूब मेहनत कर रहे हैं राजेश नागर और लोगों का भी काफी समर्थन मिल रहा है विधायक राजेश नागर को। आप लोग देखिए, अभी इससे पहले लालपुर पहुंचे थे, अब महावतपुर गांव में पहुंचे हुए हैं तिगांव विधायक राजेश नागर। देखिए, लोगों ने भैया बिल्कुल काफी गर्म जोशी से स्वागत किया है विधायक राजेश नागर का महावतपुर गांव में। देखिए, बिल्कुल ढोल बजाए जा रहे हैं राजेश नागर के स्वागत में और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, जोश में नजर आ रहे हैं और भरपूर समर्थन दे रहे राजेश नागर को। महावतपुर गांव में पहुंचे हुए हैं राजेश नागर और यहां पर जोरदार स्वागत किया गया राजेश नागर का। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हैं राजेश नागर। अब कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं विधायक राजेश नागर। अभी देखिए, मंदिर पर आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आज के समय आए भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये पटके उधार लो, पटके उधार लो, पटके। ये देखिए, मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और ये श्री कृष्ण मंदिर है ग्राम महावतपुर। देखिए, और यहाँ पर ये देखिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं विधायक राजेश नागर। ये देखिए, माथा टेक दिया है भगवान श्री कृष्ण के दर पर विधायक राजेश नागर ने। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर अब देखिए, बिल्कुल भैया भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं तिगांव विधायक राजेश नागर।
और दूसरी बार तिगांव में कमल खिलाने के लिए जम कर मेहनत कर रहे हैं राजेश नागर। आप लोग लाइव देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज पर। ये श्री कृष्ण मंदिर है महावतपुर गाँव का और यहीं पर विधायक राजेश नागर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने आए थे। अब फिर से कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। ये देखिए भगवान का आशीर्वाद ले लिए हैं राजेश नागर, अब कार्यक्रम स्थल की ओर जाएंगे। और ये देखिए पुजारी जी हैं, ये पुजारी जी हैं, देखिए देखिए अभी काफ़ी बड़ा मंदिर है महावतपुर गांव में और काफ़ी सुंदर है। देखिए बिल्कुल भैया एकदम अभी मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं राजेश नागर। ये शिवालय है तो भगवान शिव का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। ये देखिए विधायक राजेश नागर और देखिए यहाँ पर भैया देखिए जबरदस्त भीड़ है। देखिए काफी संख्या में लोग मौजूद हैं हमारे महावतपुर गांव में और देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ देखिए लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पहुँच चुके हैं विधायक राजेश नागर। महावतपुर गांव है, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है और देखिए राजेश नागर का समर्थन करने के लिए यहाँ देखिए भैया काफी संख्या में लोग मौजूद है। राम राम जी, राम राम जी। बोलने जरूरत ना, बीजेपी को ही माहौल है, सब बीजेपी को ही जाएंगे बहुत ज्यादा से। हाँ बिल्कुल जीतेंगे, पूरा गांव राजेश नागर के साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राजेश नागर को माहौल बना रहे हो और इन्होंने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करवाए, बिजली पार पहुँचवाई है, पंचिप लगवाया है, रोड बनवाया है और अभी अभी हमारा चौचौन घाट बनवा लग रहे हैं। फिर से जिताएंगे हाँ पक्का काम किया है पक्का है। योगराज लोग काफी तारीफ कर रहे हैं विधायक, क्या नाम है जी? मेरा धर्मेंद्र लंबरदार। 100% 200% काम तो 3.5 करोड़ का तो हमारा पुल लगवा दिया है जी। और हमारा कॉलेज है, हमारा जो है वो बिजली का जो अलग वो करवा दिया मीटर, और हमारे जो स्कूल करवा दिया हमारे भी तक हमारे इतने काम करें 200% जिताए भेजें 200%। देखिए लोग कह रहे हैं इस बार फिर से जिताएंगे राजेश नागर क्योंकि उन्होंने काफ़ी विकास कार्य किए हैं महावतपुर गांव में, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं इसलिए उन्हें फिर से जिताएंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद है, पूरा हॉल भरा हुआ है, देखिए पूरा हॉल भरा हुआ है महावतपुर गांव का। आप लोग बने रहिए, अभी विधायक राजेश नागर लोगों को संबोधित भी करेंगे तो आपको लाइव सुनाएंगे, तब तक आप बने रहिए फरीदाबाद न्यूज के साथ। नमस्कार।